हुई कॉल वापस नहीं ली ली गई। कॉल अभी हमारी वैसे की वैसे ही है, कल भी जता जाएगा, लेकिन वो सारा उसका जो फैसला है अभी दोनों फॉर्मों के लीडर बैठेंगे उसमें तय होगा। पिछले 9 महीने से आप पंजाब हरियाणा बॉर्डर यानी शंभू बॉर्डर पर कैंप कर रहे हैं, उस वक्त क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं, अब आपको क्या उम्मीद है? इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, आप दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज ही हालात देखिए किस तरीके से तनावपूर्ण हो गए, तो कल स्थिति में क्या सुधार होगा, इसकी क्या उम्मीद है आपको? ये सीधी सी बात है, सरकार के पास किसानों के लिए समय नहीं है, ये क्लियर हम जानते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि किसान पीसफुली बिल्कुल बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाना चाहता, लेकिन सरकार उसको नहीं जाने दे रही। ये सरकार का असली चेहरा ये सामने आया है कि सरकार को अपनी राजधानी में ही जाने के लिए, अपनी कैपिटल में जाने के लिए ही उसको रोका जा रहा है। जी क्या मांगे क्या क्या है एक बार आप मंजीत जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए हमारी मांगे यही है कि हमको MSP पे खरीद गारंटी कानून चाहिए, हमारा पूर्ण कर्जा माफी जो बिल लाया जाए, हमारे जो लखीमपुर खीरी में छीद हुए थे उनको इंसाफ मिले, जो पर्चे दर्ज किए थे वो वापस हों, जो नरेगा के हमारे मजदूर भाई हैं उनको 100 दिन मिलता है पूरे साल भर में, उनका 200 दिन दिया जाए और 700 रुपया दिहाड़ी की जाए, ऐसे ही किसानों के लिए 10,000 पेंशन दी जाए, तो ऐसे ही हमारी जो 12 चार्टर का मांग पत्र है वो सरकार के पास गया हुआ है। तो आज शाम जो बैठक होनी है उसके बाद तय होगा मंजीत जी कि अब आगे का रुख क्या रहेगा किसानों का। जी अभी बैठक होगी हमारी, वो बैठक के बाद तय होगी कि कल का जता जाएगा और किस प्रकार से जाएगा। तो फिलहाल क्या तस्वीर क्या है इस वक्त, हम आपके जरिए बताना चाहेंगे कि इस वक्त क्या अब किसान जो है वो लौट रहे हैं शंभू बॉर्डर से? नहीं बिल्कुल नहीं, शंभू बॉर्डर पे वहीं पर रहेंगे, केवल जो आगे बैरिकेडिंग है उससे पीछे लिया हमने, आंदोलन पीछे नहीं लिया है, केवल आज का जो हमारा 101 का जथा बैरिकेडिंग के पास गया था, बैरिकेडिंग को बैरिकेडिंग के आगे जाना चाहता था दिल्ली की तरफ, तो वो वहां पर वो ज्यादा टीयर गैस किया, उन्होंने ज्यादा शेलिंग किया, तो इंजर्ड हुए हमारे साथी, इसलिए उस 101 के जथे को हमने वापस किया है, आंदोलन वैसे का वैसे है और हमारी जो दिल्ली जाने की कॉल है वो वैसी की वैसी है। ये जो आपका कॉल था ये शेड्यूल्ड था, लगातार आप कह रहे थे कि 101 किसानों का जत्था जो है वो आज दिल्ली की तरफ मार्च करेगा, पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि आप जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ले जा सकते, तो आप पैदल मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दी, उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए इसके पीछे जो सरकार भारत सरकार है उसकी मंशा किसानों के लिए साफ नहीं है, वो कॉर्पोरेट के पक्ष में है, किसानों से वो जमीन छीनना चाहते हैं और कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहते हैं, जितनी नीति बन रही है वो कॉर्पोरेट के पक्ष में बन रही है, किसानों के पक्ष में नहीं बन रही। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये थे किसान नेता रंजीत सिंह जो News 24 से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो शंभू बॉर्डर पर किसान है वो वहीं डटे रहेंगे, लेकिन जो 101 किसान नेताओं का रखता है वो फिलहाल जो है वो अब दिल्ली कूच नहीं करेगा, आज जो है वो